सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द जेंडर, यानी लिंग। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे जिसका नाम है द लिंग, द जेंडर यानी लिंग। लिंग जो है बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है, स्त्रीलिंग जो स्त्री के लिए यूज होता है, यानी जो फीमेल के लिए यूज होता है, लड़की के लिए, औरत के लिए, उसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग यानी जो पुरुषों के लिए यूज होता है, आदमियों के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन। ठीक है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, जो नीचे वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। रीड दी सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस को बहुत केयरफुली पढ़ो। अ मैन इज ब्लेसिंग हिज सन, एक आदमी अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहा है। अ वुमेन इज किसिंग हर डॉटर, एक वुमेन, एक औरत अपनी बेटी को किस कर रही है, यानी चुम्मा दे रही है। द चाइल्ड हैज अ पंप, जो छोटा बच्चा है उसके पास एक पंप है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, जो बुक है, पुस्तक है, वह जो किताब है वो टेबल पर है। ऑन द मतलब टेबल पर। यहां पहले वाक्य में मैन तथा सन शब्द पुरुष यानी नर है, अतः मैन तथा सन शब्द मैस्कुलाइन जेंडर में है। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है मैन और सन, ये जो है ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, आदमी के लिए, पुरुष के लिए। इसीलिए जो मैन और सन है वो मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। दूसरे सेंटेंस में वुमेन और डॉटर, ये स्त्री के लिए यूज हुए हैं, मींस फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, दूसरे वाक्य में वुमेन और डॉटर शब्द स्त्री यानी मादा है, अतः वुमेन तथा डॉटर शब्द फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग में है। तीसरे वाक्य में चाइल्ड तथा पप शब्द से नर या मादा होने का सही जानकारी नहीं मिल रहा, अतः चाइल्ड तथा पप शब्द कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग है। ठीक है, जिन शब्दों से हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है या पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ये जो शब्द है ये स्त्री के लिए यूज हो रहा है या पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो है ये क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, दोनों में ही हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक, चौथे वाक्य जैसे बुक और टेबल, ठीक, ये बुक और टेबल दोनों निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग है, ये सांस नहीं लेती, अतः इसीलिए बुक और टेबल को हम न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग में रखते हैं। दोबारा से, क्या होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में वो सारी चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मींस जो सांस नहीं लेती, जैसे पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री, बैग, बुक, टेबल, बोतल, गिलास, स्पून, प्लेट, ये कोई भी चीज जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जो सांस नहीं लेती है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब चलिए हम इन बेसिस पे जो हमने पढ़ा अभी तक, उससे हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जेंडर, लिंग यानी चार प्रकार के होते हैं। जो हमारे जेंडर होते हैं, जो हमारे लिंग होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। अच्छा बताओ कौन कौन से जेंडर होते हैं, तो आप बताओ कि मैम पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, तीसरा होता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर जो आदमी के लिए यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर जो स्त्री यानी वुमेन यानी औरत के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन जेंडर जिससे हम पता नहीं कर सकते कि ये आदमी है या औरत, मींस हम कंफ्यूज होते हैं जिसमें, ठीक है, कि ये आदमी है या औरत, उसके लिए हम कॉमन जेंडर यूज कर देते हैं। जैसे हमने बोला चाइल्ड, अब बच्चा तो लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है, मैंने बोला स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यानी छात्र लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है, तो जिससे हम कंफर्म नहीं कर पाते कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ये है कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब वो जेंडर जिसमें जो नॉन लिविंग के लिए यूज होती है, जो उनके लिए यूज होती है जिसमें सांस नहीं होती, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री,
बैग, बोतल, स्पून, प्लेट, वो सब क्या होते हैं? न्यूटरजेंटर। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो आपको याद करने हैं। जैसे एक्टर, एक्टर का जो फिमाइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक्ट्रेस। फादर, पुलिंग, अब पुलिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है? मदर। कॉक, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? हेन। इसी तरीके से आपको ये सारे याद करने। जैसे बॉय का क्या होता है? गर्ल। ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर। डॉग का क्या होता है? बिच। फॉक्स का वैक्सन। हॉर्स का मेयर। किंग का क्वीन। लॉयन का लॉयनेस। मैन का वुमेन। नेफ्यू का नीज। पापा का मम्मी। सन का डॉटर। अंकल का आंट। हीरो का हीरोइन। हस्बैंड वाइफ। लैड लाश। मेल फीमेल। मास्टर मिस्ट्रेस। ऑक्स काउ। प्रिंस प्रिंसेस। सर मैडम। टाइगर टाइग्रेस। ठीक है, आपने इस चैप्टर में क्या जाना स्टूडेंट? जेंडर के द्वारा ही हम किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि वह स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक लिंग है अथवा उभय लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनके आंसर लिखने हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द जेंडर? क्या समझे आप जेंडर से? जेंडर से हम ये समझे कि हम किसी भी, यहाँ से आंसर लिखोगे कि हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जेंडर से करते हैं। ठीक है, वी आइडेंटिफाई द थिंग और द पीपल बाय देयर जेंडर। कितने टाइप के जेंडर होते हैं? फोर टाइप के होते हैं, मैस्कुलाइन, फीमाइन, न्यूटर एंड कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको दे रखा है, इसको आपको फिल करना है, ये आप यहाँ से देख के फिल कर लीजिएगा। जैसे किंग, किंग का क्या होता है? देखिए किंग का क्वीन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे क्वीन। लॉयन का क्या होता है? देखिए यहाँ पे कहीं लॉयन लिखा है? हाँ लिखा है लॉयन। लॉयन का क्या होता है? लॉयनेस, तो आप यहाँ पे खुद भरेंगे। अब प्रिंस, प्रिंस का फिमाइन क्या होता है? देखिए प्रिंस का लिखा है, ये लिखा प्रिंस, प्रिंस का फिमाइन क्या हो गया? प्रिंसेस, तो ये आप यहाँ पे खुद भरेंगे। सन, सन का फिमाइन देखिए, सन का फिमाइन क्या है? डॉटर, तो आप यहाँ पे डॉटर भरेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला भी खुद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये फिमाइन है, इससे आपको मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करना है। प्रिंसेस, अब ढूंढिए प्रिंसेस कहाँ है इस चार्ट में? ये रहा प्रिंसेस। अब प्रिंसेस का मैस्कुलाइन क्या होगा? प्रिंस हो जाएगा। ठीक है, मैडम, मैडम का मैस्कुलाइन, मैडम का मैस्कुलाइन क्या होगा? सर, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? सर। ऐसे ये जो पूरा चार्ट है, ये पूरा जो एक्सरसाइज है, वो आप यहाँ से ढूंढ ढूंढ के फिल करेंगे। ठीक है, आप कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा मैस्कुलाइन है और कौन सा फीमेल है। एक्टर, एक्टर क्या है? मैस्कुलाइन। लैश, ये क्या है? फीमेल। मिस्ट्रेस, यहाँ पे जो जो वर्ड है उसके सामने हम एम और एफ लिख देते हैं। ये क्या है? ये हमारा मैस्कुलाइन है, तो ये हमने लिख दिया एफ। ये क्या है? ये फीमाइन है, तो हमने क्या लिख दिया? एफ। ये भी फीमाइन है, तो हमने क्या लिख दिया? एफ। मतलब ये जो एक्टर है उसको आपको यहां लिखना है, और जिसके ऊपर मैं एफ लिख रही हूँ वो आपको इस इन कॉलम में भरना है। ठीक है, क्वीन फीमाइन यानी एफ, हस्बैंड यानी मैस्कुलाइन एम, सर यानी मैस्कुलाइन एम, मेयर यानी मैस्कुलाइन एम, सॉरी जो मेयर है वो आपका एफ है यानी वो फीमाइन है। नीज यानी भतीजी फीमाइन। फादर यानी मैस्कुलाइन। बिच यानी फीमाइन। सेम तरीके से सन यानी मैस्कुलाइन। ब्रदर यानी मैस्कुलाइन। गर्ल यानी फीमाइन। पीहेन यानी फीमाइन। जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक पुरुष होता है और पीहेन जो है वो उसकी स्त्रीलिंग होती है। बुल यानी मैस्कुलाइन। आंट यानी फीमाइन। शिप यानी मैस्कुलाइन।
हीरो यानी मैस्कुलिन, सन और लॉयन मैस्कुलिन, टाइगर मैस्कुलिन। ठीक है स्टूडेंट, तो जिन बर्ड के ऊपर मैंने एम लिखा है वो आपको इस लाइन में लिखना है, मैस्कुलाइन वाली में। जिसके ऊपर मैंने एफ लिखा है उसको आपको इस फेमाइन वाले कॉलम में भरना है। ठीक है, भर लेंगे हम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट, थैंक यू। दोबारा से एक बार क्लियर करती हूँ क्या होता है जेंडर। जो जेंडर है वो चार टाइप के होते हैं, मैस्कुलाइन, फीमाइन, फिमेनिन, कॉमन और न्यूटर, यानी पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। पुलिंग जो पुरुष के बारे में बताते हैं, स्त्रीलिंग जो स्त्री के लिंग के बारे में बताते हैं, उभयलिंग जिससे हम स्त्री और पुरुष के बीच अंतर नहीं पहचान पाते, और नपुंसक लिंग यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जेंडर क्यों जरूरी है? जेंडर इसलिए जरूरी है बिकॉज जेंडर से ही यानी लिंग से ही हम किसी व्यक्ति के बारे में हम पहचान पाते हैं, जान पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, थैंक यू।